वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे पावन पवित्र धाम गुरुद्वारा बेटमा साहिब जी विखे ए नवी रोटी बनाने की मशीन राजकोट तू अहमदाबाद तू इंदौर आई है अते बेटमा साहब गुरुद्वारे विच ए स्टाल स्थापित हो चुकी है। ए मशीन प्रसादे बनाने की मशीन है अते इस मशीन नाल एक घंटे विच 1000 प्रसादे बन के निकलते हैं। आप जी देख रहे हो ए मशीन विच एक खासियत है कि बड़े ही 8 mm तो लेके 0.8 mm तो लेके 8 mm तक ए प्रसादे की साइज की जा सकती है। अते ए मशीन विच 2 बंदे सारे रोटी प्रसादे बनाने का ए कार्य कर सकते हैं। अते जदो संतां बेटमा साहब गुरुद्वारे विखे ज्यादा तादाद विच आएगी तां ए मशीन की बड़ी ही उपयोगिता अते बड़े ही सहूलियत संतां वास्ते हो जानी है। ए मशीन हुण बेटमा साहब गुरुद्वारे साहब लंगर साहब विखे स्थापित कर दिती है। संतां की सहूलियत वास्ते ए मशीन लगाई गई है अते संतां दे सहयोग नाल ही संतां दे दिती गई भेटा नाल ही संतां दी दिती गई माया दे नाल ही ए मशीन की सेवा सतगुरु की कृपा नाल बेटमा साहब गुरुद्वारे साहब विखे होई है ते नाल ही पेड़े बनाने की मशीन भी इत्थे स्थापित की गई है जो पेड़े 1 घंटे में 3500 पेड़े इस मशीन तो निकल सकते हैं। ए मशीन दे नाल पेड़े निकल के अते ए पेड़े जड़े ने वो इस मशीन विच ए जिस तरह भाई साहब जी पा रहे हैं ए पांदे सारी प्रोसेस होके ए प्रसादे निकल के बाहर आ रहे हैं अते संगतां वास्ते बड़ा ही सोना उपराला सतगुरु की कृपा नाल गुरु नानक पातशाह सच्चे सतगुरु जी ने आप ही कराया है जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले।